स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मूरेश्वरं सिद्धिदं बालाजी क्रिएटर्स और सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से उपस्थित सभी रसिक जनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकल्पन आधारित यानी कि कंसेप्ट बेस्ड प्रोग्राम्स करना हमेशा बालाजी क्रिएटर्स और सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की फितरत रही है। आज की संकल्पना फिल्म संगीत के दुनिया के दो राजकुमारों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने 1990 से लेकर 2000 के दशक के मध्य तक फिल्म संगीत की दुनिया पर राज किया। उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प रही। उसमें गुमनामी का अंधेरा था, कभी कभी निराशा के काले बादल भी थे। 17 साल की मेहनत मशक्कत थी, परी कथाओं में होता है वैसा वनवास भी था और राज्याभिषेक भी था। जिन्होंने 1990 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत का चेहरा बदल दिया, ऐसी संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण, जिनके संगीत को हम न्यू जनरेशन की मेलोडी यात्रा कह सकते हैं। उनका साम्राज्य एक या डेढ़ दशक तक रहा। उस समय एवरीथिंग दैट टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड। फिल्म आशिकी से उनका हर गीत सोने के रंग से सजने लगा और ये सिलसिला 2005 की फिल्म दोस्ती फॉर एवर इस फिल्म तक चलता रहा। खैर, ये प्रोग्राम उनके सुरीले गीतों की सफल यात्रा है, लेकिन ये केवल गीतों की सफल यात्रा नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमें उस समय बने फिल्मों पर एक नज़र डालने पर भी मजबूर कर देगी। आज के हमारे कलाकार जो गीतों की रूह बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, आलोक काटदरे, शैलजा सुब्रमण्यम, संपदा गोस्वामी और उनके साथ है शौरीन भट्ट, तालियों की गूंज के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ ही बताना चाहूँगी कि कौन सी कंसेप्ट के लिए किस प्रकार के वादक कलाकार चाहिए, कौन से कलाकार चाहिए, फिल्म की प्रोग्राम की कंसेप्ट क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम के गीत किस श्रेणी में आ जाने चाहिए, इन सब के बारे में पुनीत शर्मा खंडाल और सिद्धार्थ मिश्रा बहुत सोच विचार कर चयन करते हैं। तालियों की गूंज के साथ हम स्वागत करते हैं जाने माने संगीतकार श्रवण जी का, जो कि एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और उतने ही अच्छे संगीतकार। उन्होंने प्रॉमिस किया था बालाजी क्रिएटर्स और सिद्धार्थ एंटरटेनर्स को कि वो ज़रूर आएंगे। और श्रवण जी से मैं सभी कलाकारों की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है आप यहाँ पधारे हैं और आप ही के बनाए हमेशा जवां गीतों को आप ही के सामने प्रेजेंट करने में जो आनंद है उसकी कल्पना आप नहीं हम करेंगे। खैर, मैंने सिद्धार्थ और पुनीत के बारे में आपसे कहा कि प्रोग्राम की छोटी छोटी बारीकियों के साथ महीनों महीनों तक बड़ी मेहनत करना और वो भी बड़े आनंद के साथ करना, ये पुनीत और सिद्धार्थ जी की वाकई में फितरत है। तो उनके चुनिंदा 35
काबिल वादक कलाकार जिनके बदौलत प्रोग्राम की रंगीनियत बढ़ती जाती है। आइए तहे दिल से उन सभी का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे म्यूजिक अरेंजर और खुद संगीतकार रहे अविनाश चंद्रचूर जी और रिदम साइड अनुपम घटक जी। अनुपम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि पुनीत जी और सिद्धार्थ जी के लिए और हम सब के लिए आपने तालियों की एक जोरदार गूंज दी है। द शो एज यूजुअल इज पावर्ड बाय चंदन। यहाँ जितने भी गाने नदीम श्रवण जी के पेश होंगे उनमें दो उनके म्यूजिक अरेंजेस के नाम प्रोग्राम के शुरुआत में लेना मैं बहुत सुयोग्य या लाजमी समझती हूँ। एक है ज्ञान वर्मा जो हमारे यहाँ के बहुत ही सीनियर वॉयलिनिस्ट प्रकाश वर्मा जी के भाई हैं, और दूसरे नरेश शर्मा जो प्यारेलाल जी के भाई है। तो उनके उनकी काबिलियत और उसकी बदौलत जैसे नदीम श्रवण जी की तर्जें बहुत मधुर हैं, बहुत विविध रंगों से सजी है, वैसे उनका जो ऑर्केस्ट्रेशन है, उनके जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है और उसका भी जिक्र करते जाएंगे। चलिए फिर आपको पहले गीत की ओर लिए चलती हूँ। बिल्कुल फेरी टेल सिचुएशन। दो स्ट्रगलर संगीतकार, मन में निराशा के काले बादल, और तभी अनुराधा पौडवाल जी से सुझाव आता है कि टी सीरीज़ के गुलशन कुमार जी एक एल्बम बनाना चाहते हैं तो उनसे मिलिए। अब उनसे ये दोनों मिलते हैं, उन्हें गाने पसंद आ जाते हैं, एल्बम का नाम चाहत रखा जाता है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में ये पहला गीत होता है। अब इन गीतों पर केंद्रित कहानी और फिल्म बनाने का प्रस्ताव खुद महेश भट्ट लाते हैं। दो और गीतों की फरमाइश होती है और फिल्म की सिचुएशन पर वो दो गीत लिखवाए जाते हैं। उसमें से एक गीत होता है सांसों की ज़रूरत हो जैसे। हाँ ना करते करते एल्बम और फिल्म दोनों का ज़ोरदार प्रमोशन होता है और 1990 के दशक का सबसे सफल संगीत रूबरू होता है। चलिए उस यात्रा पर निकलते हैं। नदीम जी, माफ़ कीजिए श्रवण जी, आपको देखिए ना, आप ही ने आपकी जोड़ी को ऐसे बनाए रखा है। इतनी दूरी आपने कैसे बनाए रखी, उसका अंतर आपने कैसे मिटा दिया। बहुत बार मैं आपके बारे में बात करती हूँ लेकिन ऐसे कभी कभी होता है कि आपके दोस्त का जिक्र आ ही जाता है, क्योंकि 18 साल से आपकी वो जो दोस्ती है, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, ये तो आप ही ने बोला है, तो आप माफ़ करेंगे मुझे। पहला गीत सांसों की ज़रूरत है, अर्थात 1990 फिल्म आशिकी, गीतकार समीर, संगीतकार अर्थात नदीम श्रवण और कुमार सानू का गीत आपके सामने पेश करने के लिए तालियों की गूंज के साथ आलोक जी। Thank you.
तकदीर है। वक्त के हाथों में सब तकदीर है, आईना झूठा है सच तस्वीर है। जहाँ दर्द है वही नींद है, जहाँ प्यास है से आशिकी कर बैठने के लिए ऐसे गाने काफी थे श्रवण जी। 7 स्टार स्क्रीन पुरस्कारों सहित 5 फिल्मफेयर सम्मानों पर मुहर लगाने वाली 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी, 1965 की फिल्म जब जब फूल खिलेगा रीमेक थी, वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिल्म और नदीम श्रवण जी का संगीत बहुत पॉपुलर रहा। मैंने कहीं बहुत सालों पहले पढ़ा था कि गानों की 12 मिलियन कॉपीज उस समय बिक गई थी, आज का आंकड़ा जो है वो मुझे मालूम नहीं है। इसका श्रेय नदीम श्रवण जोड़ी के तरोताज़ा संगीत के साथ बहुत आसान और अर्थपूर्ण शब्द रचना करने वाले समीर जी को भी जाता है। खैर, करिश्मा और आमिर के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। नदीम श्रवण जी, उदित नारायण, करिश्मा, आमिर खान और फिल्म सर्वोत्तम करार कर दिए गए। अब आपको याद है वो पालन खेत जिसका बहुत जिक्र होता रहा पूरे फिल्म भर, वो तो एक इमेजिनरी जगह थी। पालमपुर और रानीखेत, इन दो नामों को जोड़कर एक खेल किया गया था, पालन खेत बना दिया गया था। खैर, अब गीत की ओर आ जाती हूँ। अलका याज्ञिक जी का गीत आपके सम्मुख पेश करने के लिए पधार रही हैं संपदा गोस्वामी, आए हो मेरी जिंदगी में। आ,
में तुम बहार बनके बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार।
Wow. No wonder the song is really fresh till now and will be ever after. क्योंकि उसमें क्लैरिनेट है, सितार के पीसेस कैसे इस्तेमाल किए हैं, भारतीय साजों का आधुनिकता से इस्तेमाल और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ इतने मिलकर. एंड श्रवण जी, आपके सामने कहना चाहिए कि कोरस का जो इस्तेमाल आपने इस गीत में किया है, उस गीत की जो इमोशनल वैल्यू है, वो आपका कोरस कितनी बेहतरीन तरीके से एनहांस करते जाता है. माई गुडनेस, ये सब अभी नहीं बोलूँ तो कब बोलूँ, मेरे सामने सवाल उठते हैं, इसके लिए बोल रही हूँ. खैर, 1976 की अमेरिकन फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, उससे प्रेरित थी महेश भट्ट जी की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म, आपने पहचाना होगा, सड़क, 1991 की फिल्म थी. और ये फिल्म सदाशिव अमरापुरकर जी के अभिनीत किए गए महारानी के किरदार के लिए जैसे जानी जाती है, वैसे ही नदीम श्रवण जी के संगीत के लिए भी जानी जाती है. कह सकते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग स्कोर. प्रस्तुत गीत में गिटार का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है, बाकी साज तो है अपनी जगह, लेकिन गिटार का खास तौर पर बहुत सुंदर इस्तेमाल है. और इस गीत को जो कुमार सानू जी और अनुराधा जी ने गाया है, समीर जी के बोल हैं, आपके सामने पेश करने के लिए आलोक और शैलजा. कसम खाई है, खाई है तुम्हें अपना बनाने की, कसम खाई है, खाई है तेरी आँखों में चाहत ही नजर आई. तुम्हें
कसम हाई है हाई है, तेरी आँखों में चाहत ही नजर आई है आई है। अगली पायदान पर डांसिंग दिवा माधुरी जी के जलवों के लिए जाना जाने वाला सुपर हिट गीत सुनते हैं, जिसके लिए उन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया है। कहती है आँख के दिल ने मुझे किया ख़राब, और कहता है दिल कि आँखों ने मुझे खो दिया। अब ये सिलसिला तो पुराने ज़माने से चलता आया है। पहले प्यार का पहला एहसास, गीतकार समीर जी इस अंदाज से लिखते हैं कि तौबा तौबा, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, एंड दैट बिकम्स द कैच लाइन ऑफ द सॉन्ग। इस फिल्म के संगीत के लिए नदीम श्रवण जी को लंदन की एक संस्था ने सम्मानित भी किया था, और आज तक ये गीत हमारे सर आँखों पर है। आपके सामने इसे पेश करने के लिए उदित नारायण जी और अलका याज्ञिक जी का गाया ये दो गाना आपके सामने पेश करेंगे, शौरीन भट्ट और संपदा। तालियों की गूंज के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अखियाँ चुराए क्या मैंने किया जादू, कभी घबराए कभी गले लग जाए तेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। तकरार न कर तुझको कसम इनकार न कर, देखा जब तुझको ठहर गया मैं ऐसे ही अदाओं पे तो मर गया मैं। Yeah.
मेरी जान जाना क्या चीज है तू, मुझको तो ध्यान से अजीज है तू। तेरी उल्फत का नशा छा गया, कुछ भी हो जाने जा मजा आ गया। मिलाए कभी अखिया चुराए क्या मैंने किया जादू, अखिया मिलाए कभी अखिया चुराए क्या मैंने किया जादू। कभी घबराए कभी गले लग जाए, तेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। उन्नीस सौ इक्यानबे की फिल्म साथी का एक गीत सुनते हैं। अब इस फिल्म ने आदित्य पंचोली को रातों रात स्टार बना दिया था, ये भी बात आप जानते हैं। गीतकार समीर और नदीम श्रवण जोड़ी एक दूसरे की रूह जानने वाले गीतकार संगीतकार जोड़ी तब तक बने रहे और आगे भी बने रहे। पर रानी मलिक, सुरेंद्र साथी, अनवर सागर, मदन पाल, अजीज खान, विश्वेश्वर शर्मा, नवाब आरजू जैसे गुनी पर कम परिचित गीतकारों से भी नदीम श्रवण जोड़ी ने अनेकानेक बहुत बेहतरीन गीत रचाए। ये सभी गीतकार उनके स्ट्रगल के दिनों के साथी रहे। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि 17 साल के अवकाश में ऐसा नहीं कि नदीम श्रवण जी फिल्में नहीं कर रहे थे। वैसे दंगल से उनके करियर की शुरुआत तो हो गई और करीब करीब 17 साल के अवकाश में उन्होंने 21 फिल्मों को संगीत दिया था, जिसमें देखिए इलाका, हिसाब खून का, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी जैसी मेन स्ट्रीम फिल्में भी थी। लेकिन जिस यश की कामना उन्हें थी वो उन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन उन दिनों में वो धुनें बनाते चले गए जिसके लिए इन गीतकारों ने उनके लिए डमी बोल लिखे थे। तो आइए नवाब आरजू की आरजू का लिखा एक गीत सुनते हैं जो अनुराधा जी का गाया है। बहुत ही सोलफुल गाना आपको सुनाने के लिए पधार रही हैं शैलजा जी। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया। Thank you.
वाओ, ब्यूटीफुल। उस जमाना रोमांटिक किरदारों का जमाना था, रोमांटिक फिल्मों का जमाना था। तो अगला गीत फिल्म दीवाना का है, हीरो थे ऋषि कपूर। हाथ में गिटार, आंखों पर काला चश्मा, सफ़ेद ट्रेंडी पोशाक और सफ़ेद कपड़ों में इर्द गिर्द नाचती बालिकाएं तो होनी ही चाहिए। साथ में ऑडियंस में दिव्या भारती, एज फ्रेश एज फ्लावर। पूरे गीत का ऑर्केस्ट्रेशन हमें शंकर जयकिशन युग की याद दिलाता है। वैसे संयोग की बात यह है कि 1967 में राज कपूर सायरा बानो वाली फिल्म का शीर्षक भी था दीवाना ही। खैर, इस फिल्म के सुपर कामयाब संगीत के लिए नदीम श्रवण जी को अपनी ज़िंदगी का तीसरा फिल्मफेयर सम्मान मिल गया, कुमार सानू जी को भी, और साथ ही साथ शाहरुख जी को बेस्ट डेब्यू और दिव्या भारती जी को लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म का एल्बम इनके करियर का हाईएस्ट सोल्ड एल्बम माना जाता है आशिकी के बाद का। बातें भी हैं, बहुत सारी यादें भी हैं, लेकिन पहले गीत सुनते हैं जिसके लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आलोक जी को। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल से करा करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में फंसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में फंसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल से करार करके नहीं। जिस दिन तुम
आलोक जी, हाँ जी, आपके गाने ने बिल्कुल समा बांध दिया। बहुत गाना ही ऐसा है कि मैं 90s में जब गाता था ये गाना, ऐसा कभी वो वक्त मैंने देखा नहीं जब मैं ये गाना गाया और वंस मोर नहीं हुआ। और आज मैं थोड़ा डर गया था कि ये समा जरा जोर सन्नाटा देखा मैंने, डर गया मैं। अच्छा हो गया सिद्ध भाई, इस मौके पर यह गाना आ गया। सिद्ध भाई के लिए जरा जोरदार तालियां। हमारे सिद्धार्थ जी, ही इज द साउंड इंजीनियर फॉर द प्रोग्राम एज वेल। बहुत सारे वादक कलाकारों के मैं नाम लेना चाहती हूँ। मैं रॉबिन जी का जिक्र करना चाहती हूँ, मैं ब्रजेश शाह जी का जिक्र करना चाहती हूँ, नागेश कोहली जी का जिक्र करना चाहती हूँ, मोहित शास्त्री, और हमारे बहुत बुजुर्ग सितार वादक सुनील दास जी का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। और मुझे मालूम है ये तालियाँ हमारे सभी वादक कलाकारों के लिए हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। माय गुडनेस, आई कैन नॉट टेक एवरीबॉडीज नेम्स, बट यू आर ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। श्रवण जी, हर किसी कलाकार के जमाने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे आपके भी आए। वैसे आपकी पहली भोजपुरी फिल्म बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो गई थी। आपको भोजपुरी फिल्म का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आपकी जोड़ी को कहा जाता है आज तक। उसके गाने बहुत लोकप्रिय हो गए। आप महज 18-20 साल के होंगे आप दोनों, और उस ज़माने में आपने जो संगीत दिया उसमें रफ़ी साहब, मुकेश जी, सुमन कल्याणपुर जी, आशा भोसले जी जैसे दिग्गज कलाकार आपके लिए गाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। लेकिन उन उतार चढ़ावों के कश्मकश में कभी बिल्कुल भाव विवश होकर आपने आशा जी से भी पूछा था कि क्या हमारा भी ज़माना आएगा, और आशा जी ने ये बाकायदा कहा था कि हाँ ज़रूर आएगा, और वैसे ज़माना आया। 17 साल के बाद क्यों नहीं हो, लेकिन वो ज़माना आया और आशिकी से आपने एक बिल्कुल नई कहानी लिखी। खैर, उस प्रवास में अब हम 1994 की फिल्म सलामी तक आ पहुँचे हैं, और आशा जी और कुमार सानू दोनों ने मिलकर जो एक दो गाना गाया है वो आपके सामने पेश करने के लिए मैं फिर से एक बार आमंत्रित करती हूँ संपदा जी को। चेहरा क्या देखते हो,
चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। यूँ मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। कितना असर देखो ना,
ब्यूटीफुल। फिर से एक बार आशिकी की ओर चलते हैं। फिल्म आशिकी का साउंड ट्रैक 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स में चौथे नंबर पर पॉपुलैरिटी के हिसाब से गिना जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चूक भूल अगर कुछ होगी तो माफ़ कर दीजिए, पर कभी ऐसा भी समय था कि गुलशन कुमार जी इन गीतों का एल्बम करने का निर्णय छोड़ चुके थे। किसी ने उन्हें कहा था कि ये तो पाकिस्तानी गज़ल नुमा गीतों का कलेक्शन लगता है, इसका एल्बम क्या बनाना। तभी महेश भट्ट जी ने उन्हें कहा था कि ये एल्बम नहीं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैक है। और महेश जी ने गुलशन जी को ब्लैंक पेपर पर लिख कर दिया था कि ये म्यूज़िक अगर नहीं चलेगा तो मैं मेरा निर्देशन छोड़ दूंगा। आपको तो ये सभी याद है। गुलशन जी ने उसी कागज़ पर बहुत भाव विवश होकर लिखा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस एल्बम का ऐसा प्रमोशन करूंगा जो आज तक न किसी एल्बम का हुआ न किसी फिल्म का। और ये बात 100% सच निकली। इट्स अ सुपर ड्यूपर एल्बम टिल नाउ। शौरीन जी और शैलजा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ इसी फिल्म का, समीर साहब का लिखा एक गीत आपको सुनाने के लिए, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। जो तुझे तो ये दिल बहकता है, हो हो बहकता है। पास आ तेरे लब चूम लूं, मैं क्या चाहती हूँ मैं कैसे कहूँ। जरा पास आ तेरे लब चूम लूं, मैं क्या चाहती हूँ मैं कैसे कहूँ। समय तो न मालूम ये गोरा की भला कैसे दिल की अगन, कोई शोला सीने में धड़कता है, हो हो धड़कता है। पहला एहसास है
हवा ने का पहला एहसास है कुछ भी हो जानम मजा आ गया कि अब दिल संभाले ना संभलता है ओ, 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 संभलता है मेरा दिल तेरे लिए वाह शैलजा जी आप बने रही है मैं आलोक जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ अगला गीत आपके सम्मुख पेश करने के लिए 1991 की फिल्म फूल और कांटे एक्शन रोमांस फिल्म थी वैसे नदीम श्रवण जी को सारे रोमांटिक कलर्स पर तर्जे बनाने का मौका मिल गया वो रोमांस का ज़माना था शायद और मेलरी रिटर्न्स का भी खैर जिसमें अजय देवगन जी को बतौर बेस्ट मेल डेब्यू सम्मान भी मिला था और एक्शन सीक्वेंसेस और दिलकश गानों के लिए ये फिल्म आज भी याद की जाती है नदीम श्रवण जोड़ी और समीर जी मानो तेरे सुर और मेरे गीत वैसे समीर जी का गीत है इसके लिए मैं कहती हूँ कि समीर जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं और आज जो मुझे कामयाबी मिली है उसका 80% श्रेय मैं अपने संगीतकार जोड़ी को देता हूँ यानी कि नदीम श्रवण जी को आइए गीत सुनते हैं फूल और कांटे का मैंने प्यार तुम्हें से किया है मैंने दिल भी तुम्हें को दिया है मैंने प्यार तुम्हें से किया है मैंने दिल भी तुम्हें को दिया है अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं मैं दुनिया से अब ना डरूं मैंने प्यार तुम्हीं से किया है मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अपना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं मैं दुनिया से अपना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं मैंने प्यार तुम्हीं से किया है मैंने दिल भी तुम्हें को दिया जाऊंगा हाँ के
हर गीत ताज़े खिले फूल की तरह है और हर गीत का हुनर, हर गीत की रंगीनियत कुछ अलग ही है। अगला गीत आप सभी सुनना चाहेंगे, वैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक तमिल फिल्म थी कड़ल कोट्टी और उस पर आधारित हमारी हिंदी फिल्म थी सिर्फ तुम। कभी भी देखने की कोशिश करेंगे तो भी वो फिल्म हमें एंटरटेन करती है। खैर, ये फिल्म नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माई गई थी। आइए ह्यूस्टन में फिल्माया गया वो ब्रेथ टेकिंग पिक्चराइजेशन वाला गाना सुनते हैं, दिलबर दिलबर, जिसके लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ फिर से एक बार संपदा और आपके साथ शैलजा जी भी वहाँ से, संपदा जी को, अलका याज्ञिक जी का गाया ये गीत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना फिल्म सत्यमेव जयते के लिए रिक्रिएट किया गया है, आप सबने उसे पसंद भी किया गया है, लेकिन एक बात हम सभी मानेंगे कि ओरिजिनल गाने का मज़ा और थ्रिल कुछ और ही है। और उस ज़माने में भी, माने एक दो साल पहले भी, इनके जो YouTube व्यूज़ थे वो 45 मिलियन से भी ज़्यादा हैं अभी भी। तो thank you.
वंडरफुल। अगला गीत भी आप बहुत पसंद करेंगे। वैसे इतना ही कहूंगी कि ये गीत फिल्म आशिकी के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ 1991 की फिल्म दिल है के मानता नहीं में। और उसी गीत को आपके सम्मुख पेश करने के लिए फिर से एक बार यहाँ पधार रहे हैं आलोक और शैलजा। खैर, आप ये भी जानते हैं कि इट हैपेंड वन नाइट का ये अनऑफिशियल रीमेक है, लेकिन इस गीत के लिए जो अनुराधा जी ने कुमार शानू के साथ गाया है, उनको फिल्म फेयर सम्मान से नवाजा गया था दिल है के मानता नहीं। तुमसे जुदा हो
ब्यूटिफुल बोथ ऑफ यू. और ओरिजिनल ऐसे कई नदीम श्रवण जी के गीतों में और ख़ासतौर पर इस गीत में जिन्होंने सितार बजाई है वो सुनील दास जी हमारे साथ हैं. मैं वैसे सभी म्यूजिशियंस के बारे में बोलना चाहती हूँ और वो काम हमने हमारे सिद्धार्थ जी को दिया है. वो साउंड इंजीनियरिंग भी करते हैं और सबके नाम याद भी रखते हैं अच्छी तरीके से. आइए, मैं दिल से चाहती थी कि इस गीत तक श्रवण जी यहाँ बैठे रहें, खैर उन्हें जाना था. एक ऐसी फिल्म का एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसने गीतकार समीर जी को अपने जीवन का तीसरा फिल्मफेयर सम्मान दिला दिया. इस गीत ने अलका याज्ञिक जी को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करा दिया. और नदीम श्रवण जी की तर्ज पर जब समीर जी बोल लिख रहे थे, काम चल रहा था, तभी वहाँ नितिन मुकेश अपने दोस्तों के साथ पधारे तो उन्हें वो तर्ज सुनवाई गई. उन्हें तर्ज बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने आड़ से इस शब्द पर आपत्ति जताई. कहा कि आड़ शब्द बड़ा अनम्यूजिकल लगता है. खैर, तभी वहाँ निर्देशक महेश भट्ट साहब आए और उन्हें भी नदीम जी ने गाकर वो तर्ज सुनाई तो वो आड़ शब्द के बिल्कुल दीवाने बन गए और कहने लगे कि ये शब्द बिल्कुल बदलना ही बदलना, क्योंकि यही शब्द इस गीत को एक अलग मुकाम देगा. आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन जब घूंघट की आड़ से कहा जाता है तो इट बिकम्स एब्सोल्युटली म्यूजिकल. आलोक जी और संपदा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ, अलका याज्ञिक और कुमार सानू जी का गाया ये गीत. Thank you.
प्यार से दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है, मुंहगट की आड़ से दिल भर का संपदा जी। वाकई श्रवण जी ने ये गाना मिस कर दिया बिल्कुल। एंड वन ऑफ देम वाज फिल्म कसूर, जो फिल्म जैगेड एज की रिमेक थी।
वैसे अगर उसका एंड आपको याद हो, आपने ज़रूर देखी होगी वो, तो व्हाट लाइज बीनीथ, इस फिल्म से वो एंड प्रेरित है। खैर बात ये नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन इस फिल्म के सभी गाने पॉपुलर रहे और ख़ास तौर पर उदित नारायण और अलका याग्निक जी का गाया गाना जो आपके साथ आपके सामने पेश करने के लिए पधारे हैं, तालियों की ज़ोरदार गूंज के साथ सिद्धार्थ जी और संपदा जी। Thank you.
खुशी बन गए हो तुम। फिल्म आशिकी के सभी 6 गाने नदीम श्रवण जोड़ी के बनाए 10,000 गानों में से चुनिंदा गाने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये 10,000 गाने 17 साल के अवकाश में उन्होंने बनाए हैं, और महेश भट्ट जी ने फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से उनसे 2 और गीत बनवा लिए थे, जो एक था जो हमने पहले ही आपको सुनाया वो सांसों की ज़रूरत, और दूसरा कुमार शानू जी का गाया गिटार वाला गाना है बहुत सुंदर, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो वही गीत आपके सामने पेश करने के लिए मैं फिर से एक बार आलोक जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। लेकिन चूंकि श्रवण जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, वो जो स्ट्रगल वाला पीरियड है उनका, उसमें कैसे कश्मकश चल रही थी वो थोड़ा थोड़ा जानती हूँ मैं। तो उन वो जहाँ पहले रहते थे वहाँ एक म्यूज़िक शॉप था, और जब आशिकी का वो एल्बम रिलीज हो गया तो श्रवण जी ने ये खुद बात कही है कि वो एल्बम उसकी बिक्री कितनी होती है वो देखने के लिए चले गए थे। तो उस शॉपकीपर ने उन्हें कॉफ़ी पिलाई जो उसके पहले कभी नहीं पिलाई थी, एक फूलों का गुलदस्ता दिया जो उसके पहले कभी नहीं दिया था, और कहा कि दिन में सुबह में 100 कैसेट की बिक्री हो रही है और शाम को 100, इतने दिन भर में 200-200 कैसेट की बिक्री हो रही थी। तो ये बात उनके जीवन में पहली बार आ रही थी, बहुत उल्लसित थे, आनंदित थे। और आशिकी के लिए जब गाने आशिकी के रिकॉर्ड किए जा रहे थे तो कुमार शानू जी की आवाज़ उन्होंने माइक पर जब पहले नदीम श्रवण जी ने सुनी तो नदीम जी बहुत उत्तेजित होकर बोले, ये तो हमारा टाइगर है, तो वो टाइगर वाला गाना है जो हमारा टाइगर आपको सुना रहा है। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। किसी बेवफा से वफा
चाहता था तू जाने क्या बेकरारी तुझे दर्द पे मुरावत तुझा संग दिल हसीना देखी तेरी मोहब्बत अब मैंने जाना तुझको बेरहम अब तेरे जहर जिंदगी का पी लेंगे हम सो मच दोस्तों कलाकार के जीवन में गुरुजनों का आशीर्वाद एक बहुत अहम चीज़ होती है लॉरेंस डिसोजा निर्देशित फिल्म साजन की ओर आपको लिए चलती हूँ तो उसके पहले संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी जिन्होंने चार गाने बना भी लिए थे पर एक दिन माधुरी जी के सेक्रेटरी रिंकू राकेश नाथ उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संगीत नए सिरे से शुरू किया जाए तो आप फिल्म का संगीत दें अब श्रवण जी ने हामी तो भरी लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि लक्ष्मी प्यारे जी से हमें सम्मति चाहिए और तभी हम ये कर सकेंगे दूसरे ही दिन लक्ष्मी जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कैसे हो श्रवण श्रवण तुम साजन कर लो मैंने तुम्हें बताया था कि एक न एक दिन कोई न कोई प्रोड्यूसर मैं तुम्हारे दरवाजे पर भेज दूँगा तो समझो वो मौका आ गया है तो तुम्हारा संगीत हम दोनों को यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी को बहुत पसंद है बस आशीर्वाद मिल गया और आप जानते हैं कि साजन का हर गीत हिट हो गया शैलजा जी आपके सम्मुख पेश हो रही हैं अलका याज्ञिक जी का गाया वो बहुत बेहतरीन गीत पेश करने के लिए तू शायर है मैं तेरी शायरी Thank you.
फैंटास्टिक शैलजा जी, दैट्स रियल नदीम श्रवण. अब इस गाने में मैं इतनी खो गई थी कि हाथ में एक कागज़ आ गया कि MH02 4401 इनोवा गाड़ी बीच में खड़ी है और उससे लगकर जिनकी गाड़ी है उनको शायद बहुत कुछ इमरजेंसी है, शायद जाना पड़ेगा. तो हमारे संस्कृत में एक वचन है कि हा हंत हंत नललीम गज उज्जहर, कि आप गाना इतने शौक से सुन रहे हैं और ऐसी अनाउंसमेंट्स करनी पड़ती हैं, खैर वो ज़रूरी है. आइए अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ. 2000 साल की फिल्म धड़कन, हाँ। गीतकार समीर, और 3 साल के अवकाश में इसके गीत बने. वैसे नदीम जी इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, और श्रवण जी यहाँ. तो धर्मेश दर्शन की लव ट्रायंगल वाली फिल्म है वो, जिसके लिए सुनील शेट्टी जी को बतौर खलनायक फिल्म फेयर सम्मान से नवाजा गया था. आइए, ये गीत लंदन में रिकॉर्ड हो गया था और पियानो की नोट से शुरू होता है, बड़ा प्यारा सा गीत है. आलोक और संपदा जी आपके सम्मुख हो रहे हैं, अभिजीत और अलका जी का गाया ये दो गाना आपको, ये गाना आपको सुनाने के लिए. Oh,
बस तुमने अपनाया है, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को इतना चैन मिला, सबने इतना सताया है, अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना, अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। रहते हो रहते हो रहते हो। ए संपदा, क्या मैं अकेला गाता रहूंगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? रहते हो कहते हो धड़कन में रहते हो। बस तुम रहते हो। थैंक यू। वाओ ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप सभी जानते हैं कि ये निर्णय मैं नहीं ले सकती, और ये लोग बड़े कन्वीनियंटली उड़ जाते हैं, तो उनकी ओर देखने की मैं कोशिश मात्र करती हूँ। आप गुस्सा मत होइए, आगे चलते हैं। खैर, गीतकार समीर आनंद बख्शी साहब को गुरु समान मानते हैं, और उनसे अपने गीत के बारे में प्रशंसा के बोल सुनने के लिए हमेशा बेताब रहते थे उस ज़माने में। तो हर बार, चाहे उनके पिताश्री अनजान साहब हो या फिर गुरुतुल्य आनंद बख्शी, वो उनसे कुछ हर गीत के बाद में वो कुछ न कुछ उनसे सुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें बस एक ही प्रतिक्रिया मिलती थी कि अच्छा है और मेहनत करो। पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने जब से बजने लगे, तब एक दिन आनंद बख्शी साहब का फ़ोन आया। वो अपने अंदाज में हमेशा बात करते थे, अबे साले तेरे को मैंने आज दिल से आशीर्वाद दिया। तो समीर जी बोले कि पापा जी मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे आज मैंने तेरी पिक्चर देखी बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, अब वो गीतकार आ चुका है जो किरदार जीना सीख गया, अब उसे रोकना मुश्किल है। ये एक बिल्कुल यशस्वी गीतकार दूसरे पीढ़ी के यशस्वी गीतकार के लिए कहता है, ये उनके लिए बहुत अहम बात थी। खैर, राजा हिंदुस्तानी का जिक्र किया है तो परदेसी इस गीत को लांग कर जाना मुश्किल है। अलका याज्ञिक, सपना अवस्थी और उदित नारायण जी का गाया ये गीत आपके सम्मुख पेश करने के लिए शैलजा जी, संपदा जी और शौरी।
परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के
मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। केवल 10 मिनट का अंतराल। मुझसे ये पूछे क्या मैं क्यों बेचैन रहता हूँ, क्यों मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या, क्या तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लाओ तुझे लाओ मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लाओ तुझे लाओ मैं करता हूँ, तुझे से बिछड़ने से डरती हूँ, तुझे से बिछड़ने से डरती हूँ, लाओ तुझे लाओ मैं करती हूँ, तेरी अदाओं पे मरता करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। पास आ मुझे कुछ कहना है, जरा पास आ मुझे कुछ कहना है, दूर नहीं एक पल रहना है, देखो मेरे इतने करीब ना, डर लगता है ना हाथ लगाओ, मैं तेरा तू है मेरी से भी क्या डरना, छोड़ो तुम जिद करना, जिद करना, तुझे देख के आगे भरता हूँ, तुझे देख के आगे भरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ।
मेंडोलिन से लेकर हर साज अपनी जगह पर कैसे बजता है और क्या माहौल क्रिएट करता है, इसका ये बहुत ही सही उदाहरण है। अगला गीत देखिए ना, महेश भट्ट की फिल्म राज इतनी प्रभावशाली रही कि उसके कितने सिक्वेल बन गए और राज के गीत भी बहुत ही प्रभावशाली रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी प्रशंसा हुई। मिसाले तौर पर बीटल्स के जो पॉल मैकेटनी है, उन्होंने उनके लिए इस फिल्म की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी खास उन गीतों को सुनने के लिए। खैर वो गीत जो उस वाक्य से शुरू होता है कि मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और इन शब्दों के साथ आती है वो वॉयलिन की डरावनी धुन, गीत तो आप जानते ही हैं। उस गीत को आपके सम्मुख पेश करने के लिए पधार रही हैं शैलजा जी, गीतकार समीर।
1999 की फिल्म परदेश। अब परदेश सुभाष घई साहब की फिल्म थी, तो उन्होंने नदीम श्रवण जी से पहली मीटिंग में बताया था कि गीतकार आनंद बख्शी होंगे, अतः ये प्यारा सा गीत आनंद बख्शी साहब का है जिसे आपके सम्मुख पेश करने के लिए पधार रहे हैं आलोक। दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, हो दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आँखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम दूँ जादू का, मैं इसे नाम दूँ जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असल चुपके चुपके, दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बन कर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके, दो दिन मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। चुपके चुपके मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके। थैंक यू। वाओ,
अगले गीत के लिए आप वापस आ रहे हैं। फिल्म साजन के संगीत ने ये साबित कर दिया था कि नदीम श्रवण जोड़ी का संगीत वन हिट फ्लुक बिल्कुल नहीं है, वन हिट वंडर भी नहीं है। उनके तर्जों में एक भाव भिन्नपन तो था ही, लेकिन साथ ही साथ सॉफ्ट मेलोडी भी थी। फ्लूट, वॉयलिन, सितार, संतूर, सरोद भी कभी कभी मेंडोलिन जैसे साजों से उनकी धुन सजी थी। अब इस धुन को जिसे आप सुनने जा रहे हैं, बस उसमें संतूर और तबले की हल्की सी लय, फिर शुरू हो जाती है वॉयलिन्स, फिर सितार और फिर वॉयलिन्स। गाने की सिचुएशन बहुत ही सुंदर, वो फिल्म साजन का गाना है, तो अमन जो दिव्यांग है अपने अंदर के शायर को पूजा के यानी नायिका के साथ प्यार के बंधन में बंधा देखता है, तो एक इमोशनल सिचुएशन है। उसको गीतों के जरिए कैसे नदीम श्रवण जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, जिसके लिए उन्हें और कुमार सानू दोनों को फिल्मफेयर सम्मान भी मिला था। खैर, इस गीत के लिए मैं शैलजा जी को भी यहाँ आमंत्रित करती हूँ, सुनिए। कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दीदी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है।
कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है पर सामने जब तुम आते हो कहने से डरता है ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन थैंक यू वाओ शैलजा जी आप बने रहिए मैं शौरीन जी को भी यहाँ बुलाती हूँ अगला दो गाना आपको सुनाने के लिए वैसे विस्लिंग फिर गिटार फिर पेपी कोरस और उदित जी की यूथफुल आवाज़ उससे सजा ये गीत है हम यूँ कह सकते हैं कि विजुअल सोफिस्टिकेशन है ही साथ में तर्जों में उतना ही आकर्षण है आइए सुनते हैं शौरीन जी पधारिए 2002 की फिल्म राज जो भी कसम खाई थी हमने वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है दिन वो बड़े हसीन थे रातें भी खुश नसीब थी तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है जागे रहते थे खोए खोए रहते थे करते थे प्यार की बातें कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें तेरी इन बाहों में तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा तेरे इस चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतारा कितने तेरे करीब था मैं तो तेरा नसीब था होंठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा क्या तुम्हें याद है
मुझे याद है, हाँ मुझे याद है, जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो तुमने, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, क्या तुम्हें याद है? समीर साहब के बोल ऐसे हैं कि दिल की लगी बोल जाती है, जैसे कि दिल का क्या कसूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। आपने सही पहचाना है, 1992 की फिल्म दिल का क्या कसूर का टाइटल ट्रैक सुनते हैं जो साधना सरगम जी ने गाया था। खैर, समीर जी के बोल इतने सुंदर हैं कि प्यार की फिलॉसफी बहुत सुंदरता से बयां करते हैं। दिव्या भारती की बहुत ही इनोसेंस और खिली खिली सुंदरता और एक से बढ़कर एक आकर्षक धुने, ये धुन आपको सुनाने के लिए पधार रही हैं संपदा जी। Thank you.
आइए इसी फिल्म का और एक गीत सुनते हैं जो मस्ती में बिल्कुल डूबा है और झूमने झुमाने की काबिलियत रखता है। गिटार, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, बोंगो, कोंगो, ड्रम्स जैसे विदेशी साजों का नदीम श्रवण जी ने कितनी चतुराई से और कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया है, इसका ये उदाहरण है। दिल में लाखों अरमान और आंखों में सपने लिए दिव्या भारती और पृथ्वी की जोड़ी पर्दे पर बहुत सुंदर दिखती है। इस गीत के गीतकार हैं नवाब आरजू। बस इतना बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म के लिए ख़ास तौर पर नदीम श्रवण जी ने समीर जी के साथ अनवर सागर, मदन पाल, नवाब आरजू जैसे अपने पुराने साथियों के उनके गीतों का इस्तेमाल किया। यही वो साथी थे जिन्होंने उनके डमी तर्ज उनके तर्जों पर डमी बोल लिखे थे और ऐसे 10,000 गाने उन्होंने तैयार किए थे 17 साल के अवकाश में। खैर, इस गीत को आपके सम्मुख लाने के लिए मैं आलोक जी को आमंत्रित। नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। जा भी दे दूं।
दे दो दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जा भी दे दो फिल्म धड़कन के बारे में एक कहना बहुत लाजमी रहेगा कि वो एक इंटेंस लव स्टोरी विच वॉज हैंडल्ड वेरी सेंसिटिवली. तो फिल्म का निर्देशन और सिनेमाटोग्राफी अगर आप फिल्म देखें और आपने देखी होगी तो ऐसे लगता है कि जैसे हम 60s की कोई फिल्म देख रहे हैं. नदीम श्रवण जोड़ी का संगीत फिल्म की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा है. सभी तर्जें बहुत मधुर कथा से जुड़ी हैं और ऐसा गीत सुनाएंगे आपको. वो जो है तो दो गाना लेकिन इस गीत के लिए अलका याज्ञिक जी को फिल्मफेयर सम्मान से नवाजा गया था. तो इस गीत को आपके सामने पेश करने के लिए फिर से एक बार शौरीन और संपदा. हाँ आलोक जी है इसीलिए तो मैं पूछ रही थी आपको कि आप हैं कि नहीं. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो. मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो. जितना बेकरार हूँ मैं तुझको बेकरार कर लो. मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं. हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं. कदमों में जहाँ ये रख दूँ मुझसे आंखें चार कर लो. जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो. मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे.
जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊंगा मैं, दुनिया से तुम्हें चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा ऐतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। बहुत बढ़िया। आइए तुरंत इसके बाद हम 1991 की फिल्म दिल है कि मानता नहीं का वो गीत सुनेंगे जो क्लाइमैक्स वाला गाना है और कुमार सानू जी और अनुराधा जी ने उसे गाया है। हालांकि ये गाना समीर जी का लिखा है, पर जैसे आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जो है वो अनवर साहब का लिखा हुआ है और इस फिल्म के अन्य गीतकार हैं रानी मलिक, अजीज़ खान, फैज़ अनवर, तो बहुत सारे ऐसे गीतकारों को भी उन्होंने इस फिल्म में मौका दिया है। खैर, इस गीत को आपके सम्मुख लाने के लिए मैं आलोक जी और शैलजा जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत तो प्यार है किसी और का। और का तुझे चाहता कोई और
हंसता है कोई रोता है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है कोई हंसता है कोई रोता है, कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है, जान है किसी और की तुझे जानता कोई और है, जान है किसी और की तुझे जान भाषा में अभिव्यक्त होना समीर जी की खासियत है। एक बार क्या हो गया था, 1994 का गीत है तो 1993 की एक बात याद आ गई कि फिल्म फेयर नॉमिनेशन के लिए मजरू सुल्तानपुरी साहब को जो जीता वही सिकंदर के लिए और फिल्म दीवाना के लिए समीर साहब को नॉमिनेशन मिला था और समारोह चल रहा था, सूत्र संचालक विवरण दे रहे थे, मजरू साहब ने बस अपना नाम सुना और मंच की ओर चल दिए। अब पुरस्कार समीर जी को दीवाना के लिए घोषित हो गया था, सिचुएशन बड़ी कठिन सी थी। मजरू साहब के पीछे पीछे समीर जी वैसे दौड़ते दौड़ते ही मंच पर पहुंचे और माइक हाथ में लेकर उन्होंने कहा कि ये मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं अपना पहला पुरस्कार अपने पिता के हाथों स्वीकार लूं और अपना दूसरा अपने गुरु के हाथों, और मैं मजरू सुल्तानपुरी साहब को अपना गुरु मानता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पुरस्कार उन्हीं के हाथों मिले। बस लोग बाग ये सब देखकर बहुत दंग हो गए और मजरू साहब के हाथों उन्होंने वो पुरस्कार स्वीकार भी लिया। बड़ी कुशलता से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया था जिसकी बदौलत यश चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रजा जैसे दिग्गजों ने उन्हें खत लिखकर बताया कि आज तुमने ये साबित किया कि तुम गीतकार अनजान के बेटे हो। ये मुझे आपको कब से बोलना था समीर जी के बारे में, इसलिए मैंने बोला। और अब आपके सामने कुमार सानू साहब का गाया गीत पेश करेंगे आलोक जी, कितना हसीन चेहरा, 1994 की फिल्म थी दिलवाली। ओहो
चेहरा कितनी प्यारी आँख कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँख कितनी प्यारी आँखें हैं आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितनी प्यारी आँखें हैं आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार चले तेरी नजर झुके तो शाम भले जो उठे नजर तो सुबह चले तू हंसे तो गलियां खिल जाए तुझे देख बिहूर भी शर्माए तेरी बिखरी बिखरी जुल्फ तेरी महकी महकी सांस तेरी कोयल जैसी बोली तेरी मीठी मीठी बातें जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें रंगीन जवान मत होश बदल तू हुस्न सबाब का है गुलशन तेरे अंग से खुशबू पर से परियों सी सुंदर काया जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं सो बार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितनी प्यारी आँखें हैं आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार बहुत मज़ा आया।
बस इसी को जोड़ के अब 2003 की फिल्म दिल का रिश्ता का गीत सुनते हैं, जिसके लिए मैं संपदा को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। गीतकार फिर से एक बार समीर साहब। और दिल का रिश्ता एक बहुत मजबूत कहानी वाली एक वेल मेड फिल्म थी, जिसका वितरण ऐश्वर्या राय जी की कंपनी ने ही किया था। आपको याद होगा, आप बहुत बार देखते भी होंगे कि पहले अंतरे में रेगिस्तान, फिर दूसरे में बरखा बहार, और तीसरे में तो काउबॉय सिचुएशन। इस तरीके से कहां गीत हमें घुमा कर ले आता है। आइए सुनते हैं दैया दैया दैयारी।
अगला गीत एक दो गाना है, उदित नारायण और अलका जी का गाया, आपके सम्मुख इसे पेश करने के लिए पधारेंगे शौरीन और शैलजा। ये 1995 दिमाग से कुछ चला गया, फिल्म राजा का गीत है, फिर से एक बार गीतकार समीर। देखिए उनका हंसना, उनका शर्माना, उनके दिल का शदाएँ, उनकी सुंदरता, इस गाने में सब कुछ माधुरी। लश ग्रीन लैंडस्केप, झील और आसमान की नीली माँ और उसके साथ खिलती एक प्रेम कहानी, और ये गीत, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। आइए सुनते हैं इस गीत को। बन गया हूँ तुम्हारा।
दीवाना। थैंक यू शौरी। आइए एक दो गाना सुनते हैं साजन चले ससुराल फिल्म का, जिसके लिए यहाँ पधारे हैं पहले ही आलोक और संपदा जी, कुमार शानू और अलका जी का गाया ये दो गाना है। बस ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है, क्रैकलिंग केमिस्ट्री, वो है गोविंदा और करिश्मा की, और जिनकी एनर्जी और सिनर्जी बहुत बढ़िया लगती है। आइए, तुम तो धोखेबाज हो, आइए सुनते हैं ये गीत। अरे दो गाने बचे खाली। अच्छे गाने बैठिए। परिचालक हो
मुस्कुरा के दिल जलाती हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे हम जो रूट जाएंगे तुम आगे भरोगे। एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक। अब ये से उस सब कुछ बजा, उसमें शंकर जयकिशन जी भी मिले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी मिले, आर डी बर्मन के भी रिदम पैटर्न्स आ गई, और डिस्को वेव जो बप्पी लहरी उनका भी कुछ न कुछ उनकी भी खुशबू आ गई, सब मिलकर एक सुंदर सा कॉकटेल नदीम श्रवण जी ने तैयार किया जो बिल्कुल काबिल तारीफ है। खैर, हम ये कह सकते हैं कि मेलोडी रिटर्न्स का जो ज़माना था उसके मुख्य शिल्पी रहे नदीम श्रवण जोड़ी। मैं वाकई इनको दो दीवानों की जोड़ी कह सकती हूँ, क्योंकि 21 फिल्मों को संगीत देते देते, उन्हें संगीत से सजाते सजाते दो दीवाने किसी धुन पर सवार हो जाते हैं, 10,000 धुनें बना लेते हैं, एक हिट की राह देखते देखते कामयाबी के रास्ते पर ऐसे निकल पड़ते हैं कि जैसे कोई भूत सवार हो। एक दूसरे से दूर रहकर भी दोनों कई फिल्मों को कामयाब कर दिखाते हैं, कई फिल्मों का संगीत, जैसे कि सिर्फ तुम, धड़कन, कसूर, राज, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दोस्ती फॉर एवर।
बस एक श्रुति मधुर गीत के साथ हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और ये गीत भी आप बहुत पसंद करेंगे, विनोद राठौड़ और अलका याज्ञिक का गाया फिल्म दीवाना का गीत, जिसे आपके सम्मुख पेश करने के लिए फिर से एक बार शैलजा और आलोक जी। वक्त का सितम तो देखिए खुद आगे निकल गया और हमें वहीं छोड़ गया, लेकिन उसका अंदाज तो लेना ही पड़ता है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, जाने जाना दीवाना, तेरा नाम रख
चाहत की चांदनी मेरी आंखों में फंस गई। वो तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में फंस गई। ये खुशबू तेरी जिस्म की मेरी सांसों में फंस गई। तू मेरी मेरा नाम रख